सो ही हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप? सो उम्मीद कर दो सारे ठीक होंगे और आगे हूँ एक और नई वीडियो एडिटिंग के साथ। सो इस वाले वीडियो में बताऊंगा कि सॉन्ग है जो फिर भी तुमको चाहूंगा। सो उस वाले सॉन्ग पे आप काफ़ी अमेजिंग और लोफी सॉन्ग वाला है तो कैसे स्टेटस वीडियो बना सकते हो, सो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। सो अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नहीं है अभी तक तो पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। सो लाइक और डिसलाइक का जरूर बटन दबा के जाए और मैं आपको पहले प्रीव्यू दिखाता हूँ, उसे प्रीव्यू देख प्रीव्यू कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा। मेरे हो इस पल मेरे हो तब शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये गाइज यार इस टाइप की वीडियो बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और जो भी मटेरियल्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको जो दो प्रोजेक्ट का इंपोर्ट कर लेना अलाइट मोशन के, वो अगर आपको प्रीसेट में लिंक इंपोर्ट नहीं हो रहा तो आप XML का यूज़ करें और इंपोर्ट कर लें। और जितने भी मेरे फोटो यूज़ किए वो सारे टेलीग्राम चैनल पे पहले से अपलोड किए हुए मैंने तो वहाँ से आप इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? कर लें। अगर आपको प्रीव्यू डाउनलोड करना तो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सो वहाँ से डाउनलोड कर लें। देन आपको जो अपने लाइट मोशन को ओपन करना तो यहाँ से मैं आपको लाइट मोशन को ओपन करके बताता हूँ आगे क्या करना है, ठीक है? तो गाइस यार यहाँ से जो मैंने अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लिया, ठीक है? अलाइट मोशन ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना, प्लस के राइट साइड में प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, सो प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाला और पहले आपको जो बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको सॉन्ग इंपोर्ट होगा और यहाँ पे बीट मार्क देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको सारा कुछ खुद करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब आपको करना क्या, अब आपको यहाँ से लिरिक्स को लिखना स्टार्ट करना, ठीक है? सो लिरिक्स कैसे लिखना, आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना था इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाना और यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा दो टेक्स्ट, तो आपने दोनों पे टैप करना और यहाँ से कॉपी लेयर कर लेना, ठीक है? तो दो डब्बे पे टैप करके कॉपी लेयर कर लेना, देन आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको चले जाना अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ से दो डब्बे दिख रहे हैं सो उस पे टैप करके पेस्ट लेयर करना, देन आपको एरो पे टैप करना, सो या देन यहाँ पे देख सकते हो ये जो लाइन है ना टेक्स्ट है ना वो आपको बीट मार्क से आगे जा रहा है, सो इसको कट कैसे करना, आपने इस पे टैप करना स्पीड वाले ऑप्शन से कट कर लेना, ठीक है? सो स्पीड वाले ऑप्शन से कट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके इफेक्ट में। देन आपको क्या करना है, इसके टेक्स्ट को चेंज करना, ठीक है? सो जो भी आपके सॉन्ग में है वो आप लिख ले, तो ठीक है? तो मैंने कुछ इस टाइप से ये लिख लिया, तो यहाँ पे ये है सॉन्ग में लाइन, तो यहाँ पे ये लिख लिया, देन आपको फिर से पेस्ट लेयर करना और देन यहाँ पे अपने टेक्स्ट को चेंज करना। सो कैसे करना, आपको लेयर पे टैप करना, देन एडिट टेक्स्ट में जाना और यहाँ पे आपको जो है जो भी आपके सॉन्ग का लाइन है वो लिखना है, ठीक है? सो यहाँ पे लिख लिया, देन आपको देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से और ऊपर वाला देख सकते हो जो स्टार है ना वो हर्ट और स्टार जो भी बोलते हैं सो वो जो इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना, मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इस टाइप से इसको थोड़ा सा स्वाइप अप करके ऊपर कर देना, ठीक है? देन आपको देख सकते हो बीट मार्क से पीछे रह गए, तो इसको यहाँ से इंपोर्ट कैसे करना है यहाँ तक, देन आपको क्या करना है यहाँ पे लेयर पे टैप करना, स्पीड वाले ऑप्शन में जाना, देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको यहाँ तक ले आना, ठीक है? सो दोनों में से इंपोर्ट साइज करें, देन यहाँ पे देख सकते हो एक और दो लाइन लिख लें, देन फिर से पेस्ट लेयर करें और देन आपको यहाँ पे आना और यहाँ पे लेयर को कट कैसे करना सेंटर से, देन आपको मूवमेंट ट्रांसफर इस पे जाना, स्पीड वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन से कट करना, ठीक है? सो इस वाले ऑप्शन से मूव जो स्पीड वाले ऑप्शन से कट करोगे तो आपको इफेक्ट में कोई भी पंगा नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ से कट कर लें, देन यहाँ पे टेक्स्ट का लेयर कैसे चेंज करना, मतलब कि बीच में टेक्स्ट है वो कैसे चेंज करना, आपने जो है रवि लिखा हो उस पर टैप करना, लेयर पे टैप करना, देन एडिट टेक्स्ट में जाना और यहाँ पे आपको लिख लेना लाइन को, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लिया इजीली से, देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है और इजीली से लाइन को लिख लिया। सो इसी टाइप से गाइस आपको कहाँ तक लिखना, आपको शायद से नीचे बीट दिखेगा
कुछ इस टाइप से। सो इतने तक आपको जो है लाइन को लिखना है, ठीक है। सो ये रहा, तो इतने तक आपको जो है लाइन को लिख लेना, और ये सारे लाइन आपको जो है आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। गूगल करके आप इजीली से लिख सकते हो, आपने लिखना है तो फिर भी तुमको चाहूँगा लाइरिक्स, ठीक है, वहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी आपका सॉन्ग सुने और जहाँ से भी आपका सॉन्ग है ना, वहाँ से आपको जो है टेक्स्ट को कॉपी करके नोट पैड में लिख लें, देन एक एक करके आपको जो है ऐड कर लें। सो जितने सारे भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखने हैं वो सारे आपको मैं लिख के बताता हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, फाइनली मैंने यहाँ पे सारे लाइंस को लिख लिया, और लाइंस लिख लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पर इफेक्ट लगाना, ठीक है। सो ये जो इफेक्ट होगा ग्लो वाला, वो हम ले जाएंगे नोड एपीके से, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इसका एक्सपोर्ट करना होगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एंडिंग में चल जाना और इस वाले एंडिंग में आ जाना, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है म्यूजिक पे टैप करना, देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाना, देन आपको इसको एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। सो सेटिंग के राइट साइड में आइकन मिला, सो उस पर टैप करके, वीडियो पे टैप करके, एक्सपोर्ट पे टैप करके, तो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कर ले, और इस से एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको सेव का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, पहले से सेव करके रखा हूँ, ठीक है। सो आपको क्या करना, वहाँ से आपको जो है सेव करके बैक होना, ठीक है। आप रिसेंट में नहीं चले जाना, आपको जो है बैक करना है, ठीक है। और करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे बीट मार्क में जो म्यूजिक कट हो गया, ठीक है। देन ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले रीडो के ऑप्शन पर टैप करोगे तो यहाँ से ईजिली से आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ से पे आ गया सारा म्यूजिक। सो इस टाइप से म्यूजिक ला ले, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और बीट मार्क को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इस टाइप से ले आए, देन आपको क्या करना, आपने नोड एपीके को ऑन करना, तो ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको नोड एपीके को ऑन करके बताता हूँ, तो ये रहा हमारा नोड एपीके, इसको ऑन कर लेना, देन आपको क्या करना, प्लस का ऑप्शन दिख रहा है न्यू का, सो उस पर आपने टैप करना, देन ये इस टाइप से जो इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेशो के ऑप्शन में जाना, देन कस्टम के ऑप्शन पर टैप करना, और रेजोल्यूशन रखना 1080 और आगे उसको रखना 2340, तो यहाँ से लिख लेते हैं 2340, देन ओके। और यहाँ पर आपको क्या करना, रूट्स के साइड में जो प्लस का ऑप्शन दिखेगा, सो उस पर आपने टैप करना, देन मीडिया पर टैप करना, वीडियो पर टैप करना, और यहाँ पर आपको चले जाना यहाँ पे अपने गैलरी में, और यहाँ से आपको जो वीडियो का इंपोर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो इस टाइप से वीडियो का एक्सपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे नीचे जो ग्रीन कलर दिख रहा है वहाँ पे एक एरो मतलब कि लाइन सा दिख रहा है वाइट, सो इसको आगे करके आप देख सकते हो कहाँ पे आपका जो है टेक्स्ट सही से दिख रहा है, ठीक है। सो उस टाइप कर लेना, आपको क्या करना, ऑडियो के नीचे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, सो प्लस के ऑप्शन पे टैप करना, डन। देन इफेक्ट के ऑप्शन में जाना, देन स्टाइलाइज के ऑप्शन में जाएं, और देन ग्लो के ऑप्शन पे टैप करें, और यहाँ पे ये ग्लो ऐड हो गया। देन इंटेंसिटी आप बनाना चाहते हो तो बढ़ा ले, वरना इतना ही भी ठीक है, देन ठीक है। देन फिर से प्लस का ऑप्शन दिख रहा है गाइस नीचे, सो प्लस के ऑप्शन पे टैप करें, देन इफेक्ट एसिड स्टोर में चले जाना, और यहाँ पे आपको ब्लिंक पहले पे ही मिल जाएगा, ठीक है। सो ये ब्लिंक को ऐड करें, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो टाइप दिख रहा है, सो टाइप में जाके आपको क्या करना, F4 कर लेना, ठीक है। F3 भी कर सकते हो तो F4 कर ले, तो इतना कर लिया। देन आपको क्या करना, यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है गाइस, अमाउंट को आपको थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है। सो कम ही कर लेना, ज़्यादा ही कर लेना, 0.20 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कर सकते हो। देन थ्रेश होल्ड दिख रहा है, तो थ्रेश होल्ड का जो है एक जो आगे वाला मतलब कि 0.0 है ना, उसको छोड़ के उसके आगे वाला उसको थोड़ा सा कम करना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से मैंने कम कर लिया, तो मैंने कुछ इतना कर लिया। और इतना करने के बाद आपको क्या करना, साइज़ के ऑप्शन में जाना, और साइज़ को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो यहाँ पे साइज़ को भी कम कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको जो इंटेंसिटी का ऑप्शन दिख रहा है, सो उसको आप बढ़ा लेना, ठीक है। सो बढ़ा के आपको कितना कर लेना, आप अपने हिसाब से देख लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1 कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1.220 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 20 कर लिया। देन आपको इस वक्त जो अपलोड मतलब कि एक्सपोर्ट करना होगा, तो अपलोड का आइकन दिख रहा है होम के राइट साइड में, सो उस पर टैप करना, देन ग्रीन वाले ऑप्शन पे टैप करोगे प्ले वाले बटन पे, तो ये जो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। सो गाइस यार कुछ इस टाइप से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लें, देन आपको जो अपने लाइट मोशन को ऑन करना, ठीक है। सो यहाँ से मैं आपको लाइट मोशन को ऑन करके उसी प्रोजेक्ट में जाके बता दूं आगे क्या करना है। तो देख सकते हो गाइस मैं उसी प्रोजेक्ट में आ गया हूँ। अब आपको एक काम करना है कि यहाँ पे आपको जो डब्बा दिख रहा है, सो उस पर आपने टैप करना, सेलेक्ट ऑल लेयर करना, और यहाँ से म्यूजिक मिल रहा है लास्ट में चले जाना, और म्यूजिक को अनचेक करके, और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है टॉप पे, सो टॉप पे डिलीट कर लेना। सो इस टाइप से करोगे तो आप सब सोचो म्यूजिक भी डिलीट, तो ऐसे आप करके मूव करोगे ना, तो यहाँ पे म्यूजिक आ गया। देन आपको क्या करना, प्लस के ऑप्शन पे टैप करना, इमेज एंड वीडियो, और यहाँ से आपको जो वीडियो आपने जो है वहाँ से एक्सपोर्ट किया था जो नोड एपीके से, उसको जो ओपन ऑन करना मतलब कि ले आना, ठीक है। सो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, देन आपको क्या करना, इस टाइप से चेक करना, देन आपको जो एंडिंग में चले जाना है इसके, और यहाँ पे आ जाए, देन आपको क्या करना, वीडियो पे टैप करना, और इस टाइप से इस पर कट लग लेना, ठीक है। देन फिर से प्लस पे टैप करें, और यहाँ से जितने सारे भी बीट मार्क उन सब पे आपको जो है इमेजेस को ऐड करना, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना, प्लस के ऑप्शन पे टैप करना, इमेज एंड वीडियो, और ये सारे इमेजेस आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। सो इजीली से हम जो है इमेज पे टैप करना, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 डॉट, सो उस पे आपने टैप करके यहाँ पे फील स्क्रीन कर लेना, तो यहाँ पे फील स्क्रीन हो गया। देन एरो पे टैप करना, और एक बार एरो पे टैप करोगे ये जो फोटो के एंड में होगी, ठीक है। सो दो बारी टैप करें दूसरे बीट मार्क पे जाने के लिए, मतलब कि बीट मार्क पे जाने के लिए, देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो फोटो इजीली से वहां तक आ जाएगा।
देन फिर से प्लस पे टैप कर इमेज एंड वीडियो में चले जाए और यहाँ पे आपको जो अगले इमेज को सिलेक्ट करना, तो यहाँ से देख सकते हो अगले इमेज को सिलेक्ट किया, देन थ्री डॉट पे टैप करके फिर से गिन कर लिया, देन एक बार एरो पे टैप किया तो फोटो के एंड में, देन दूसरे बार एरो पे टैप किया तो बीट मार्क पे, और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके अगले बीट मार्क तक फोटो को ले आए, देन फिर से प्लस पे टैप कर इमेज एंड वीडियो में जाए और यहाँ पे आपको इमेज को सिलेक्ट करना, तो यहाँ से इमेज सेलेक्ट किया, देन थ्री डॉट पे टैप करके फिर से गिन, देन एरो पे टैप किया, स्टेप से कट लगाया, देन फिर से प्लस पे टैप कर इमेज एंड वीडियो और यहाँ पे आपको इमेज को सिलेक्ट कर, देन थ्री डॉट पे टैप करके फिर से गिन, देन एरो पे टैप करके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगा लेना, देन फिर से प्लस पे टैप करना इमेज एंड वीडियो और यहाँ पे क्लास में सेलेक्ट कर लेता हूँ फोटो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो इफेक्ट का एग्जांपल देना था इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतना कर लिया बस, बहुत है, ठीक है। देन आपको इफेक्ट पेस्ट करना होगा और यहाँ पे जो एंडिंग तक जो इमेज करना पेस्ट करना ना, मतलब कि लगाना वो मैं बाद में लगा लूँगा। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको जो थोड़े से फोटो सेलेक्ट करके बता दिया, अब आपको इफेक्ट कैसे लगाना, आपको क्या करना इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको चले जाए इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ पे आपको लास्ट वाला इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से लास्ट वाला इफेक्ट। सो लास्ट वाले इमेज पर टाइप करना इफेक्ट का ऑप्शन में, थ्री डॉट पर जाकर कॉपी फेक करना, देन आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको चले जाना बीट मंक वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है छोटे वाले ड्यूरेशन, ठीक है, तो ये फोटो का ड्यूरेशन छोटा, तो इमेज पे टैप कर इफेक्ट के ऑप्शन में, थ्री डॉट पे जाके पेस्ट और जितने सारे भी यहाँ पे छोटे ड्यूरेशन वाले फोटो है उन सब पे आपको सेकंड वाला इफेक्ट लगाना, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले इफेक्ट जो है सेकंड वाला लगाएं और देन यहाँ पे आपको चले जाना इस वाले ड्यूरेशन पे और यहाँ पे जो है दोनों पे आपको जो है सेकंड वाले मतलब कि वो इफेक्ट लगाना, देन यहाँ पे आपको बस एक दो तीन चार इमेज पे आपको इफेक्ट लगाना सेकंड वाला, देन आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको चले जाना अपने बीट इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ पे फर्स्ट वाले फोटो पे टाइप कर इफेक्ट के ऑप्शन में, थ्री डॉट पे जाके कॉपी फेक करने, देन आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको चले जाना बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले इमेज पे टाइप करके इफेक्ट के ऑप्शन में, थ्री डॉट पे जाके पेस्ट और ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला फोटो है तो ये आपको जो फर्स्ट वाले इमेज को लगा फर्स्ट वाले इफेक्ट को लगाना, तो यहाँ से इजिली से लगाया और इस पर भी लगा दिया, तो यहाँ पे पहले से था यहाँ पे भी लगा लेते हैं और देन आपको क्या करना, स्टेप से आपको जितने सारे भी आगे फोटो ऐड किया था वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले फोटो पे आपको फर्स्ट वाला इफेक्ट लगाना। सो गाइस यार कुछ इस टाइप से वीडियो को बना ले, देन आपको एक्सपोर्ट करना होगा, सो उसके लिए क्या करना, सेटिंग राइट साइड में आइकन मिरर सो उस पे टैप करना, देन वीडियो पे टैप करके एक्सपोर्ट पे टैप कर लेना, एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो वीडियो क्या गहरा है, तो यहाँ से रेजोल्यूशन वगैरह कम करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, सो एक्सपोर्ट कर ले। सो गाइस यार कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें वरना डिसलाइक भी कर सकते हो, सो लाइक और डिसलाइक का बटन जरूर दबा के जाए और मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।